झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की आवाज पर नाराज कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, जिसमें चार महिला विधायक मौजूद थी और विधायक वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। वहीं महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि उन लोगों ने कांग्रेसी सीएलपी लीडर आलमगीर आलम से मांग की है कि विधायक दल की बैठक जल्द बुलाई जाए। सुनिए क्या कहा है महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने लाइव लगातार से एक्सक्लूसिव बातचीत में। तो मेन ये सवाल है हमारा कि आप लोगों ने आलमगीर आलम अपने बात रखने के लिए, जो विधायक दल के नेता है आप लोग, उनसे आप लोगों ने बातचीत रखने के लिए क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, हम लोग चारों महिला विधायक जी रिक्वेस्ट की उनसे जी कि विधायक दल की मीटिंग होनी चाहिए जी, और हम सभी लोग वर्चुअली जी सभी विधायक से बात हुई जी। रामचंद्र जी आके पहले चले गए थे जी, और बाकी कुछ लोग अभी शाम में बातचीत हो रही है, लेकिन सीएलपी लीडर इस बात के लिए अग्री किए और 10th को जो है विधायक दल का मीटिंग का डिसीजन हुआ। क्या उसी में आपके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होगा या जो हम लोग जितना भी अपना परेशानी है उस फोरम में रखें? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मसले पे बातचीत की जाएगी? ये हम लोग कोई नहीं होते तय करने वाले, अब हमारे पार्टी के जो लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो क्या आलमगीर आलम आपकी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रखेंगे, ये तो वो बता पाएंगे। मेन अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने लगातार ट्वीट के माध्यम से देखा जा रहा है कि आप लोगों की शासन प्रशासन से समन्वय नहीं बन पा रही है, शायद मैं अगर सही हूँ तो जो तो हमारा हमारा जो रिजेंटमेंट है जी वो इनसेंसिटिव पुलिस से है ना जी। पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, क्रिमिनल्स पे एक्ट करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के साथ तमीज से पेश आना चाहिए जी। तो क्या ऐसा सभी महिला विधायकों के साथ ही हो रहा है या पुरुष विधायकों के साथ भी हो रहा है? जनरली ये पूरे झारखंड के जनता के साथ होता है, जनप्रतिनिधि के साथ जब हो जा रहा है तो इस बात का इंटेंसिटी समझना चाहिए कि थाना वगैरह सब कितना नियंत्रित है जी। आपकी जो आप लोगों की जनप्रतिनिधि जितने भी हैं आप लोगों, वो लोग प्रशासन जो भी है, ये आपकी बातों को सही तरीके से नहीं नजरअंदाज? देखिए, आपको उसको इतना ये सब करने का जरूरत नहीं है, वी हैव आवर ओन इश्यूज, छोटा छोटा अपने अपने क्षेत्र का मामला है जी। वो प्रशासन से और पुलिस से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग अपने पार्टी के राइट फोरम पे रखना चाहते हैं। दीपिका जी, चूंकि आपको बड़ा पद मिल चुका है कांग्रेस में, राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी भी आपको बनाया गया, उसके लिए भी लाइव लगातार आपको एक शुभकामना देती है राष्ट्रीय सचिव बनाने के लिए। उसके साथ साथ क्या इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस? हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, जनता हमको चुन करके लाई है जी, और मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति सबसे पहले जी, उनकी उनकी कामों की प्राथमिकता पहले है, उनके कामों के प्रति हम जवाबदेह हैं और आंसरेबल हैं, और उनको उनके उम्मीदों को पूरा करना मेरे प्रथम प्राथमिकता में आता है। और पार्टी के माध्यम से विधायक बने हैं तो हमें अगर किसी तरह से परेशानी हो रही तो पार्टी में बात उठाना कोई गलत नहीं। तो उनके लिए क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है प्रशासन से सही समन्वय बनाने के लिए ऐसा कुछ? हम लोग अपनी बातों को विधायक दल की मीटिंग में रखेंगे जी, जी, जी। फिर आगे किस तरह से सुधार होना है उसमें हम लोग जो सीनियर लीडर्स हैं वो दिल्ली तक क्या इस बात ये सब बात ही दिल्ली तक क्या नहीं पहुंची या यही रांची में ही झारखंड में ही सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे? ये क्योंकि आप राष्ट्रीय लेवल डिसीजन ये डिसीजन विधायक दल के नेता को लेना है जी। उस दिन जिसकी जैसी समस्या, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व भी आपको मिल चुका है मैडम, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट जो प्रॉब्लम सॉल्व झारखंड में हो जाएंगे या दिल्ली तक भी ये बात जाएगी? मेरा प्रभार किसी दूसरे राज्य में है जी, हम वहाँ की बातों को लेकर के लीडरशिप के पास जा सकते हैं जी, लेकिन अगर मेरे क्षेत्र से संबंधित या झारखंड से जुड़ा हुआ कोई मामला है जी, तो उसका जो प्रॉपर चैनल है हमको वही फॉलो करना है। हमारे पीसीसी हैं, सीएलपी हैं, प्रभारी हैं, संगठन मंत्री हैं, वो उस चैनल को ही हमको फॉलो करना है। और क्या 12वें मंत्री के लिए ये सब चल रहा है या महिलाओं से किसी को मंत्री कांग्रेस में बनाए जाने की बात? ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ कौन मंत्री बनता है नहीं बनता है वो लीडरशिप तय करती है और हम लोग सब उनके गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं जी। अगर दीपिका पांडे को मंत्री बनाया जाए तो क्या झारखंड के अभी इस तरह की कोई बात ही नहीं जी। सो इस बात को कहीं से भी इसको कहीं से भी जो है इस बात से जोड़ने से का कोई मतलब नहीं। तब हमें लगता है कि कार्य में और भी तेजी आएगी कुछ, जो झारखंड में विकास होनी चाहिए
कांग्रेस और जेएमएम और राजद की सरकार है झारखंड में। इसके बारे में हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते, ये बिल्कुल गलत स्पेकुलेशन या क्या बोले, इस तरह से कल्पना करके कुछ किसी भी बात का जवाब हम देना नहीं चाहते। तो आज की बैठक बस खत्म हो चुकी है या अभी कुछ अटकलें लगाई जाए या 10 के बाद? सीएलपी लीडर हम लोगों को विधायक दल की मीटिंग का एश्योरेंस दिए, उस दिन हम सभी लोग अपनी बात रखें। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि आप 10 तारीख को इन सब बातों को रखें, आलमगीर आलम द्वारा आपके जो विधायक दल के नेता है उन्होंने यह बात बोला है 10 जुलाई को आप अपनी बातों को समस्याओं को रखेंगे। विधायक दल की बैठक ही इसी बात के लिए हो रही है कि हम सब लोग अपनी बातों को उस बैठक में रखें, वो पार्टी का राइट फोरम है, वही इस बात को रखा जाएगा, आप एक ही बात को। जी दीपिका पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी लाइव लगातार से बात करने। बैठक समाप्त के बाद झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायकों का ग्रीवांसेस है, जो हम कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से मिलकर बात रखने जा रहे थे, लेकिन वो नहीं है। वहीं कई क्षेत्र की समस्या है जो नहीं सुनी जाती है, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं। इन तमाम तरह के कई मसले हैं जिसके लिए 10 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाने का आग्रह किया गया है। चारों यहाँ पर मिले, और भी लोगों के आने का था लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, और वर्चुअली सबसे लगत हमने बात की है, और हम अपने जो है सीएलपी लीडर से मिलना चाहते थे, आज यहाँ पर होते लेकिन किसी कारणवश वो जो है समय पर आ नहीं सके, और कुछ ग्रीवांसेस थे हमारे, हम उनको एड्रेस करना चाहते थे अपने सीएलपी लीडर से, और हमने बात की है, और आने वाले समय में उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही जो है हम अपने विधायक दल की एक मीटिंग करके और इनको एड्रेस करने का कोशिश करेंगे, ताकि जो हम सबके ग्रीवांसेस हैं कम से कम एड्रेस होना अब शुरू हो जाए, और साथ में हमारी जनता के भी, क्योंकि हम उन्हीं से हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।